ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। जैसा कि आप सबको विदित है कि सावन मास चल रहा है और तांत्रिकों को इस मास की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि किसी भी कर्म के लिए जो सावन मास है ये उत्तम माना गया है। इसमें किया गया कोई भी कर्मकांड कभी खाली नहीं जाता। यदि आपको भी कोई यंत्र बनाना हो, कोई साधना करनी हो, तो सावन मास जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसमें यदि आप कोई भी साधना करते हैं तो वो बहुत जल्दी फलित होती है। तो आज जो है मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा प्रभावी पति वशीकरण यंत्र जो कि आपके पति को बस आप ही के कंट्रोल में रखेगा। मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, काफ़ी महिलाएं आती हैं जो कहती हैं कि उनके पति जो हैं वो उनके वश में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, और जो हैं बाहर ही कहीं रहते हैं, बाहर ही कहीं खाते हैं, बाहर ही रहते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे में जो है इस यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। इस यंत्र को वो सभी स्त्रियां प्रयोग में ला सकती हैं जिनके कि बिगड़ैल पति हों, उनकी बात ना सुनते हों, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। लगभग 10 साल पहले मैंने ये यंत्र बनाकर अपने साधकों को दिया था, तो जिन जिन पर भी किसी भी प्रकार की कोई दुविधा थी, किसी भी प्रकार का कष्ट था, वो इससे कुछ ही दिनों में दूर हो गया। ये इतना चमत्कारी है कि पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है, और मैं अचंभित हूँ इसके असर देखकर कि जहाँ पर डाइवोर्स तक की प्रॉब्लम आ गई थी वहाँ पर भी जो है इस यंत्र ने अपना काम किया है। इस यंत्र को आप kaliavidya.com से परचेज कर सकते हैं या फिर आप घर पर भी स्वयं बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बनाते हैं तो उसमें और एक गुरु बनाएं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो आपको क्या करना है कि एक मृग चर्म का आसन कहीं से भी ग्रहण कर लेना है। अगर मृग चर्म ना हो तो कोई ऊनी आसन ले लीजिए लाल रंग का, और हल्दी ले लीजिए, कुमकुम ले लीजिए और अनार की कलम ले लीजिए। इन सब को इस यंत्र का निर्माण करने से पहले एकत्रित कर लीजिए और सावन के किसी भी दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। बस आपको एक भोजपत्र के ऊपर इस यंत्र को अंकित कर देना है। यंत्र का जो डायग्राम है वो आपको थोड़ी देर में मैं दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इस यंत्र को कौन कौन किस किस समस्याओं में प्रयोग में ला सकता है। यदि पति जो है डाइवोर्स देना चाहते हैं और आपको अपने भरसक प्रयास कर लिए लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है, यदि पति पत्नी में मनमुटाव हो गया हो और चिड़े चिड़े रहते हो, वहाँ पर भी इस यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। किन्हीं दो लोगों में घनिष्ठता बढ़ाने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है, और इस यंत्र को पहले ही दिन से आप देखेंगे कि यह अपना काम करना शुरू कर देता है। इस यंत्र को आपको किसी भी दिन, सावन के किसी भी दिन कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, और जब भी बनाएं तो ऐसा वातावरण चुनें जहां पर कि आप एकांत में हों, आसपास कोई और दूसरा ना हो। इस यंत्र को लगभग हजारों साल हो गए हैं। इस यंत्र को जो है पति को वशीकरण करने के लिए, अपने वश में करने के लिए प्रयोग में लाया जाता था, और आज जो मैं ये यंत्र आपको दे रहा हूँ ये इतना प्रभावी है कि यहाँ पर आपने बनाया और वहाँ पर इसने काम करना शुरू कर दिया। तो डायग्राम देख लीजिए आपको किस तरह से बनाना है। ये जो आप नंबर देख रहे हैं इनको
आपने हल्दी और सिंदूर या रोली से इसकी स्याही बनाकर अनार की कलम से आपको बनाना है, और नीचे जो है ये खाना जो है इसमें आपको अपने पति का नाम लिख देना है। इसको आपने किसी भी दिन प्रारंभ कर देना है, और वो जो दिन हो वो सावन मास का हो। सावन मास में आप इसे कभी भी कर सकते हैं। तो किस तरह से बनाना है? सबसे पहले तो पूर्व मुखी होकर बैठ जाएं, धूप दीपक नवेद सब रखें, और उसके बाद जो है दीपक की लौ पर अपना हाथ रखें, और जो भी आपका मनोरथ हो वो स्पष्ट करें अग्निदेव से, और उनको साक्षी मानकर इस यंत्र का निर्माण शुरू करें। यंत्र निर्माण पश्चात इस यंत्र को अपने सिराहने रख दें, चाहे तो बेड के अंदर रख दें, किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ पर कि कोई देख ना पाए, लेकिन ये आपके सिराहने पे रहे। जहाँ पर आप सोते हो वहाँ पर इसको छुपा कर रख दीजिए। इसको आप मोमजा में भी भर के रख सकते हैं ताकि ये जल्दी खराब ना हो। इसको हमेशा अपने सिर की तरफ रखें, और इसके बाद जो है जो भी दो व्यक्ति वहाँ पर रहेंगे उनके बीच में घनिष्ठता होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो यंत्र है इसे सिर्फ स्त्रियाँ बना सकती हैं, और यदि आपको पुरुष के लिए चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9999416625 पे। लेकिन ये जो यंत्र है ये सिर्फ पतियों को वशीकरण करने के लिए है, और इस यंत्र को कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग में ना लाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो मैं यंत्र मंत्र बताता हूँ उसका दुरुपयोग किया जाता है। तो अपने ही पति को वश में करने के लिए इसका प्रयोग कीजिएगा, अन्यथा इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत हैं। यदि इस यंत्र को किसी अन्य पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रयोग में लाया गया तो ये अपना काम नहीं करेगा। ये सिर्फ विवाहित स्त्रियों के लिए है, वो इस यंत्र का प्रयोग कर सकती हैं। और इस यंत्र से आपको ऐसे चमत्कार दिखेंगे कि आप इस यंत्र को भूल नहीं पाएंगे। वर्षों के अनुसंधान के बाद आपको ये यंत्र दिया जा रहा है, लाखों लोगों पर इसको टेस्ट किया गया है, और उसके बाद जो है ये यंत्र आपको दिया जा रहा है। याद रखिएगा, जब भी इसको बनाएं तो आप एकांत में हो, कोई दूसरा आदमी आपके साथ ना हो, और इसको बनाने के बाद किसी प्लास्टिक की थैली में रख लें और अपने सिरहाने में डाल दें या फिर अपने बेड के नीचे रख दें, लेकिन ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कि ये ख़राब ना हो। बस यथासंभव वो वहीं पर ही रहे जहाँ पर आप इसे रखें, तो आपके और आपके पति के बीच में कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं होगा। यदि डाइवोर्स केस चल रहा है तो वो भी इससे दूर किया जा सकता है। बहुत ही आसान है, एक बार करके देखिएगा, और किस तरह के आपके अनुभव हुए हैं, आपको किस तरह की इसमें जो है चमत्कार दिखे हैं वो सब मुझे बताना ना भूलिएगा। क्योंकि अब तक जितनों को मैंने इसको दिया है इसने अपना काम बखूबी किया है। तो आज मैं इसको पब्लिक डोमेन में डाल रहा हूँ, तो मुझे बताइएगा कितना सटीक इसने काम किया है। यदि कहीं पर कोई त्रुटि हुई हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, डायग्राम आपको ना मिला हो, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 9999416625 पर, या आप मेरी वेबसाइट kalividya.com पर जाकर इस यंत्र को परचेज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।